Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 11.2 class 8 NCERT math. इससे पहले 11.1 exercise complete हो चुकी है और 11.2 के question number 1 to 9 तक भी complete हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 इज देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर. ये देखा रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव साइड एंड पेंटागोनल साइड, इस तरह की शेप है इसके पार्क की, ठीक है ना. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इस पेंटागोनल पार्क का एरिया निकालना है. इसको फाइंड करने के लिए क्या करा, ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इन टू टू डिफरेंट वे. नीचे दे रखा ज्योति डायग्राम, ज्योति ने क्या करा पेंटागोनल के अब इस वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया और इसका एरिया का पार्ट निकाल लिया. और जबकि कविता ने क्या करा इस तरीके से इसको ज्वाइन करा फिर इसका पार्ट निकाला. कविता डायग्राम ये है और ज्योति का पार्क का डायग्राम इस तरीके से करा, ठीक है. तो ये क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, इस वेज से भी निकालना है और इस तरीके से भी निकालना है. पार्क का एरिया तो सेम आएगा, पार्क तो है नहीं, सेम ही शेप है ना. किसी भी तरीके से निकालें, एरिया तो बदल नहीं जाएगा, दोनों से एरिया सेम आएगा. फिर आगे कुछ कह रहा है, हाँ, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया. पूछा है क्या इन दोनों के अलावा क्या कोई और तरीका है निकालने का, अगर है तो बता दीजिए, है ना. एक तरीका और है निकाल सकते हैं, बताइए. तो चलिए पहले तो हम ज्योति के डायग्राम से और कविता के डायग्राम से इन पेंटागोनल पार्क का एरिया फाइंड करते हैं, ओके. तो देखो ज्योति का डायग्राम ये दे रखा है. इस पेंटागोनल पार्क उसने क्या करा, इस वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो देखिए मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ, चलिए. इससे क्या, और ये दे रखा है ये साइड्स इसके इक्वल है, ठीक है. ये साइड इसके इक्वल, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15. तो अगर हम यहां से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर ये इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या इसको वाई सेट करता है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम होगी. तो देखो आपको दो ट्रेपेजियम दिखाई दे रहे होंगे, एक वाला और एक ये दोनों सेम है. दोनों के बीच की एक डिस्टेंस है, एक साइड 15, ये 15, और सम ऑफ बिटवीन बोथ साइड्स ये कितनी हो जाएगी, यहां 15 का हाफ. तो देखो ट्रेपेजियम के एरिया जानते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो या इसका निकाल लो. क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये पैरेलल इसके हैं तो 15, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्यों ये दे रखी है 30, यहां लिखता हूं मैं 30 मीटर. तो पैरेलल साइड्स मान लो 15 30 और डिस्टेंस बिटवीन दम क्या होगी इसमें 15/2. तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. एक ट्रेपेजियम का निकाल लें, इसका भी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम है. तो इन इसमें क्या करें, एक का निकालें, इसमें टू से मल्टीपल कर दें तो पूरे पेंटागोनल पार्क का एरिया निकलाएगा. तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, ठीक है, निकालते हैं. एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, अब मैंने टू का मल्टीप्लीकेट, टू क्या क्या करा समझ में आ गया, एक पेंटा सॉरी एक ट्रेपेजियम का निकालूंगा और दो से, क्योंकि दोनों सेम है तो दो से मल्टीप्लीकेट पूरे का हो जाएगा, तो टू से मल्टीप्ली करा. अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ये तो फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये दिख रही है आपको 15 और ये दिख रही है वो कितनी है 30. तो ये आएगा 15+30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये पूरी है 15, तो ये कितनी रहेगी 15 का हाफ, यानी कि 1/2 × 15. बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. इस 2 से ये 2 कैंसिल, 15+30 कितना होता है भाई 45 इंटू 50/2. ओके मल्टीपल कर दे रहा हूं, 15 5 जा होते हैं 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 767/2, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 3 जा 6 कैरी 1 1 5 15, 2 7 जा 14 कैरी 1, और 1 के आगे 0 आगे 10 हो जाएगा, और 2 5 जा आगे 0 लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है. तो ये आंसर आ गया 337.50 स्क्वायर मीटर. द एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क
अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, वो किसी का भी डायग्राम हो, एरिया तो बदल नहीं जाएगा, ज्योति ने जो बनाया, जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, क्या करा, दो इक्वल ट्रेपेज में डिवाइड कर लिया, एक का निकाल लें, दो से मल्टीप्लाई कर दें, निकलाएगा। अब दूसरी कौन थी, कविता, कविता के डायग्राम से निकालें, तो एरिया तो यही आएगा, अगर नहीं आता है तो या तो इसमें मिस्टेक हो रही है या उसमें मिस्टेक हो रही है, क्योंकि पार्क का एरिया तो बदल नहीं जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, अब कविता ने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से देखते हैं क्या एरिया निकल के आता है, एरिया तो यही आएगा, कैसे निकले बताते हैं। अब कविता का डायग्राम इस हिसाब से बनाया, उसने इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दिया, तो देखो 15 15 15, ये भी क्या होगा, जब 15 ही होगा तो क्या करें, नीचे तक स्क्वायर मिल गया, मिल गया ना। अब ऊपर एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और यहां से नीचे तक की डिस्टेंस कितनी है, 30। तो देखो ये अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो 30 यहां से यहां तक कितनी है, 15, तो ये इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी, 13 में से आप 15 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगी। तो इसका एरिया कैसे निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पोर्शन क्या होगा, चलिए निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर पोर्शन ऐसे लिख देते हैं, साइड इंटू साइड, 15 15 होते 225, एक तो ही निकलाया। अब ऊपर ट्रायंगल का बेस तो हमें पता चल गया, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है तो 15 हो गया, हाइट कैसे निकलेगी, 30 में से 15 माइनस कर दें, 15 आ जाएगी, तो सो करना चाहिए, कर देते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल 30 माइनस 15 15 मीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पोर्शन क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 15, देखो ये हाइट कितनी है, 15 है ये रहा हाइट ऑफ ट्राइंगल 15, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो गया 225/2, यानी कि 2 बन जा 2, इतना आ गया, इतने स्क्वायर मीटर। तो पेंटागोनल पार्क का एरिया क्या होगा, जो स्क्वायर पोर्शन है, एक तो स्क्वायर पोर्शन है, इसको ऊपर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों को ऐड कर दें तो पेंटागोनल पार्क का एरिया निकल आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, यहां मैं शॉर्ट में पार्क लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ पार्क स्क्वायर पोर्शन था 225 और ये आ गया 112.5, तो 0.5 257 213 213, इतने स्क्वायर मीटर, वहां भी वही आया था 337.500 आप लगा लो, ठीक है। तो सेम आया, सेम ही आना चाहिए था, अगर सेम नहीं आता तो 100% हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, लेकिन यहां सेम आ गया। लेकिन अभी एक थोड़ा सा बात और पूछी गई इस क्वेश्चन में, कहां चला गया हम, ये कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग इट्स एरिया, यस कर सकते हैं, एक अलग एरिया और है, हम इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पार्क इन अदर मेथड, इन अदर वे या अदर मेथड, क्या देखिए हमें ये गिवन था, ये फिगर गिवन है, एक पेंटागोनल पार्क है, ये साइड्स इक्वल हैं, ये 15 ये 15 ये 15 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो एक देखो मेथड ये था, इसको ज्वाइन कर दें, जैसे कि किसने जॉइन कह रहा था, कविता ने, हमें अलग मेथड चाहिए तो हमने इस डायगोनल्स को मिला दिया। तो देखो इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं सेडेट कर देता हूँ, एक पोर्शन ये और एक ट्रायंगल ये, इन तीनों को निकालना है, इसको नेम दे देता हूँ फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी 90 होगा फिर, और यहाँ से यहाँ तक हम वर्टेक्स करें तो ये 90, और ये कितनी बची हाइट, हम ऊपर निकाल चुके 15, तो इस ट्रायंगल करिए हाफ बेस इनटू हाइट, 15 इनटू 15 का है, बेस 15 हाइट भी 15, इसमें बेस कितना, ये 15 हाइट 15, इसमें बेस 15 हाइट 15, यानी कि तीनों सेम साइज के ट्रायंगल मिल गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक का निकाल लें क्योंकि तीनों सेम है, हाफ 15 इनटू 15, यहाँ बेस कितना है 15 हाइट 15, यहाँ बेस कितना है 15 हाइट 15, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक निकाल लें, तो अदर मेथड से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क 3, क्योंकि तीनों ट्रायंगल सेम बनना है, बनना फिर आप ऐसे करोगे क्या,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का इसका क्या होगा, बेस 15 हाइट 15, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका भी बेस 15 है ये और ये भी 15 था है ना, हाफ इंटू 15 इंटू 15 हाफ 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 कितना हो गया, तीनों कैट करेंगे 3/2 15 इंटू 15, तो 15 15 जा 225 और 6 से करेंगे सॉरी 3 से मल्टीप्लीकेट तो 675 हो गया, 675 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, पॉइंट लगाए एक बचेगा एक क्या 0, तो 2 5 जा 10, तो देखो वही आ गया स्क्वायर मीटर। तो एक अदर मेथड ये भी था, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन 11 इज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर। ये पिक्चर दे रखी है हमें, ये डायग्राम दे रखा है, तो कहता डायग्राम जो डायग्राम है ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, एक पिक्चर फ्रेम का डायग्राम है, हैज आउटर डायमेंशन इज 24/28 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है इसकी विड्थ 24 आउटर और यहां से यहां तक दे रखी है 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16/20 सेंटीमीटर। इधर के इनर की यहां से यहां तक की यानी कि विड्थ 16 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। यानी कि आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रेपेज़ियम शेप में, इसका एरिया निकालना है, इस वाले का भी निकालना है सेक्शन, इस वाले का भी निकालना है इसका, जितना ये होगा उतनी ही होगा, दोनों सेम है, जितना ये होगा इतनी, इसका निकाल लेंगे तो इसका तो ऑलरेडी निकला है, इसको इक्वल रख देंगे, इसका निकाल लेंगे तो इसका भी निकलेगा। चलिए करते हैं, तो ये फिगर थी, अब ये हमने मान लिया फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ, तो जो फर्स्ट का होगा वही थर्ड का होगा, क्यों होगा, देखो ये 24 है, ये भी 24 है, ये 16 है तो इसके सामने की भी 16 होगी है ना, ये भी 16 होगी, और ये दे रखा है कि विड्थ जो है सबकी सेम है, अगर ये मान लें एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और इस सेक्शन की विड्थ भी एक्स है, तो ये 28 तो 28, ये 20 तो ये 20 और विड्थ सेम है, तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड ट्रेपेजियम शेप में सेम है और सेकंड और फोर्थ ट्रेपेजियम भी शेप में सेम है, तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो फर्स्ट ट्रेपेजियम या थर्ड ट्रेपेजियम का एरिया निकालने और इन दोनों में से एक का निकालेंगे दूसरे का तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अब ये एक्स की वैल्यू निकालें यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेट कैसे निकलेगी देखते हैं। देखो 20 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 28, चलो पहले मैं लिख देता हूं, लेट और नहीं लिखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेट विथ ऑफ ईच सेक्शन इज एक्स सेंटीमीटर। अब यहां से देखो ये क्या है एक्स यानी कि ये भी तो एक्स होगा प्लस 20 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 28 के बराबर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 20 प्लस एक्स इज 28, तो एक्स एक्स 2x 28 माइनस 20 क्लियर, तो 2x इज इक्वल कितना हो गया ये 8 और x का डिवाइड सॉरी 2 से डिवाइड कर दें तो 2 8 4, x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मानूंगी 4, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, अब तो काम हो गया। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन ये ट्रेपेजियम की शेप है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है ये 14 और दूसरी है 16 और उनके बीच के डिस्टेंस x वो हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो निकला है सीधा, तो एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो दे रखी हमें 24 प्लस 60 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो हम निकाल चुके 4, इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल, 14 प्लस 16 कितने होते हैं भाई 40 इंटू 2 42 या 80, तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकलाया, ये फर्स्ट का ये है तो अपोजिट जो है इसके थर्ड सेक्शन वही सेम होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो हम सेकंड का निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड या सेकंड सेक्शन ऐसे भी ले सकते हो, ये क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो देखिए 28 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस दिखाता हूं 28 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20, तो 28
प्लस 20 इंटू डिस्टेंस एक्स थी वो निकली 4, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल, 48 हो गया इंटू 2, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट का निकला है, सेकंड का है, थर्ड का क्या होगा, थर्ड का वही होगा फर्स्ट का है, दोनों इक्वल बताया था, फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन सेम है, तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इज इक्वल, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड या थर्ड सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन या एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट, अब वो आया था 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट रह गया फोर्थ, तो एरिया ऑफ सेक्शन 4 ये किसके बोलो, सेकंड के, और सेकंड का क्या है 96, तो आंसर हो गया 80 एंड 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, अब वो आया था हमारा 96। ओके, तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।